नमस्ते, मैं प्रिया बरवा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालासोर ओडिशा से पंडित अभिमन्यु जी, जो पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर है। जी नमस्ते अभिमन्यु जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है हमारे साथ यहाँ फाइव वेस्टर्न सिटी में जुड़ के? जी नमस्ते। वो बिल्कुल फाइन और अच्छा है। जी शुक्रिया। और अभिमन्यु जी, आपको कितने साल हो चुके हैं ये पेशे से जुड़े हुए? आपको 15 काफी साल हो चुके हैं मतलब आपको? हाँ जी जी जी। अभिमन्यु जी, आपके कस्टमर्स आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, मतलब आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में सेवाएं देते हैं? हाँ जी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन जी। और जी 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 कहिए। हाँ, हमारा एक तो वेबसाइट है ना। जी 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 जी, इनका वेबसाइट के सभी डिटेल्स हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी के वेबसाइट में अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग दे देंगे। जी और ठीक है जी। अभिमन्यु जी, हम सभी को पता है कहीं ना कहीं आजकल के यूथ युवाएं बहुत एस्ट्रोलॉजी को लेके काफी नेगेटिव वे में सोचते हैं। सो आपका क्या राय है इस पे? वो तो सही नहीं है, क्योंकि वेद में एस्ट्रोलॉजी को चक्षु बोलता है, चक्षु बोल रहा है वेद में। जो समय टाइमिंग इज द वन टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो समय है वही ज्योतिष है। इसीलिए तो उसको वो जो युवा वर्ग जो नहीं मानते हैं, कोई नास्तिक है, वो तो ठीक नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। जी जी, आप कैसे कैसे सर्विसेज देते हैं, कौन कौन से सर्विसेज देते हैं आप? सर्विस में हमारा जो वास्तु है, जो घर मकान जो तैयार करता है, ऑफिस का डर जो वास्तु। जी जी जी। और एक करना जो आपका जेम स्टोन। ओके। और जो हॉरोस्कोप उसको बनाना। जी जी जी, अच्छा ठीक है जी। आपका ये सर्विस आप पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है या फिर आपके शहर में? बस आपके शहर में तो है ही, बाकी दूसरे शहरों में है? हाँ, दूसरा शहर में हमारा जो उड़ीसा और कोई कोई दूसरा राज्य में है, क्योंकि ना हम कम से कम 12 साल हो गया जो हम मीडिया में ना, प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जॉब किया है, एस्ट्रोलॉजी में। ओके 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 जी, तो पूरे पैन इंडिया में आपका ये आपका सर्विसेज अवेलेबल होंगे? हाँ, हाँ, जी जी। और वो ऑनलाइन ऑनलाइन मोड पे हो आप लेते हो? हाँ जी ऑनलाइन। और किस तरह के ज्यादातर कस्टमर्स आते हैं आपके पास, क्या क्या प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, क्या दुविधाएं को लेके आते हैं? आजकल तो हर घर घर का भी जो अशांति है और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जो बिजनेस प्रॉब्लम ऐसा। जी जी जी, ज्यादातर यही सब कस्टमर्स आते हैं पास ऐसा। अच्छा ठीक है जी। आप अगर एक छोटा सा टिप्स कोई दे पाए आपके कस्टमर्स को, ताकि वो लोग का एक विश्वास जगे एस्ट्रोलॉजी को लेके। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, समय का दूसरा नाम ज्योतिष है जी। उसको वो मैथमेटिकल काउंटिंग करने का वो ज्योतिष बोलता है, जो समय का एक परिमापक है ज्योतिष। जी जी जी, और दूसरा कुछ नहीं है। और एक बात क्या ना, ये सभी समय के जो प्रिंसिपल है, सभी लोग क्या ना, जो ज्योतिष और जो आपका उसका जो बर्न, वो दोनों का टाइप करने के लिए क्या ना, जो प्रिंसिपल नीति और नियम जी पालन करने से सभी का अच्छा। इसीलिए तो आजकल जमाने में क्या हो ना, जो प्रिंसिपल पहले जमाने में तो ज्योतिष को कम उठाते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि उस समय जो प्रिंसिपल उसका कर्म अच्छा था, इसलिए जो ड्यूटीज गॉड ड्यूटी के ऊपर आधार कर सभी बढ़ना चाहिए, तो हमारे ऐसा ठीक है। ठीक है ठीक है, वो तो ये तो अच्छा है। उधर जो सब स्टाफ है वो भी वेरी सिंसियर है जी, वो बोर्ड डिलीज करता है जी, तो संस्था का एक मतलब का एडवांस सिस्टम है जी जी जी, ऐसा हमारा जी। शुक्रिया।
जी, आप आपके एस्ट्रोलॉजी को कैसे डिफरेंट सोचते हैं, कैसे बेहतरीन सोचते हैं दूसरों के एस्ट्रोलॉजी से? देखिए, सब एस्ट्रोलॉजी का तो सिद्धांत एक है, लेकिन एक्सपीरियंस और एनालिसिस ऐसा ही ज्योतिष को बड़ा बना देते हैं, पर रेपुटेशन और लोकप्रियता जी। और एक क्या ना, जो ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर हम जी, जो कस्टमर जो सामने वाला लोग उसको थोड़ा आश्वासना और उसको थोड़ा जो गुड डीलिंग्स करना, उसका अपने अपनापन मानना, वो ऐसा ज्योतिष का प्रयोग हो सकता है। उनका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम एक ही सूचना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो तो, क्योंकि जो ज्योतिष है ना, जो पंडित लोग ज्योतिष लोग, वो क्या करता ना, वो उसके ऊपर आस्था रख कर लुक आता है जी। वो भी कोई कोई भी उसको भगवान मानता है, कोई कोई भी उसका पिता का तौर पर गुरु का तरफ मानता है, इसलिए वो जो आस्था है ना, जो कॉन्फिडेंस और जो आस्था और जो फैत है, वो भी ज्योतिष का और पंडित का दूसरा रूप है। वो जब आएगा ना, उसे अपना अपन मन कर उसको मैंने उसका समस्या को वो तो अच्छा है जी। और अभिमन्यु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप अगर हमारे स्टूडियो के लिए एक छोटा सा फीडबैक देना चाहो तो? वो सर, स्टूडियो तो अच्छा है, उधर जो मैडम बैठा वो भी अच्छा है, काफी स्मार्ट है। जी, शुक्रिया। आज का ये इंटरव्यू यही तक। अभिमन्यु जी का सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे इस वीडियो के आखिर में दे दिए जाएंगे, और हमारे फाइव बेस्ट इन सिटी के भी सभी डिटेल इस वीडियो के आखिर में दे दिए जाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया अभिमन्यु जी। और जी, धन्यवाद।